सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नॉलेज 360 को और पाएं वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फोन पे। मुस्कुराइए, आपके आप अलीगढ़ में हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा आज सर सैयद डे है। हैप्पी सर सैयद डे टू ऑल माय व्यूअर्स। आप देख रहे होंगे कि मैं खड़ा हूँ अलीगढ़ में और इस पाक ज़मीन पे, इस पाक यूनिवर्सिटी के अंदर, और मेरे पीछे एक जहाज़ है। आप सोच सकते हैं कि मैंने इस जहाज़ को अपने पीछे क्यों लिया। ये वो जहाज़ है, ये वो जहाज़ है जो सर सैयद के सोच का फ्यूचर है। उनके सोच का वो फ्यूचर है कि वो चाहते थे कि जो भी बंदा उनकी यूनिवर्सिटी से पढ़े वो जहाज़ की बुलंदी को छुए। कभी आपने सोचा है कि हमें काली शेरवानी क्यों मिली? कभी आपने सोचा है कि हमें यही रंग क्यों मिला? ये रंग हमें इसलिए मिला है ताकि हम रंग भेद का जो फ़र्क है उससे ऊपर आ करके ये सोच सकें, ये कह सकें कि हम अलीग हैं। चाहे हमारा रंग कोई भी हो, काला हो, सफ़ेद हो, कोई भी हो, लेकिन हमारा दिल शीशे की तरह साफ और शफाफ है। आज ये चश्मा मैंने पहन रखा है, धूप निकली हुई है, लेकिन क्या मुझे ज़रूरत है इस चश्मे की? अगर मैं कहूँगा तो वो ना होगा। मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस चश्मे की, लेकिन इस चश्मे के पीछे की वजह बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूरी वजह ये है, वो ज़रूरी वजह आपके सामने मैं ये रखूँ। आज हर एक इंसान ने एक चश्मा पहन रखा है। किसी का पावर 3 है, किसी का पावर 2 है, किसी का पावर 1 है। कोई पावर 3 के ज़रिए अलग तरह का डिस्क्रिमिनेशन देख रहा है जो कि रिलीजन के बेस पे है। किसी का पावर 2 है जो अलग तरह का डिस्क्रिमिनेशन देख रहा है क्लास की नज़रिए से। किसी का पावर 1 है जो अलग तरह से डिस्क्रिमिनेशन देख रहा है। सर सैयद ने कहा चश्मा पहनो, लेकिन चश्मे में नज़रिया रखो, नज़र नहीं। मुबारक हो आप सभी को, आज सर सैयद डे है। आज का खूबसूरत दिन उस पाक हस्ती, उस जन्नतुल हस्ती के नाम है जिसने इस इदारे को तामीर किया। अल्लाह की मदद मिली और इस इदारे में रूह आई, और आज हम, आप और हर एक अलीग इसी इदारे के, इसी इदारे के वो फूल हैं जो दिखते तो फूल हैं लेकिन खुशबू अब उनमें उतनी नहीं जो सर सैयद चाहते थे। पैदा कीजिए वो खुशबू, वो रंग जो देखे तो पसंद आए, जो देखे तो माहौल महक जाए। आज के इस वीडियो का आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा। हम करेंगे आज कुछ सवाल और जवाब कुछ ख़ास लोगों से जो कि अलीगढ़ के हैं, और उनसे पूछेंगे सर सैयद के बारे में कुछ सवाल जो कि होगा बहुत ख़ास। तो देखते रहिए और चलते हैं इस खूबसूरत टूर पे जो कि होगा पूरी से पूरी, पूरी तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और उसके बानी सर सैयद अहमद ख़ान के ऊपर। तो लेट्स गो। तो आ गए हम लाइब्रेरी पे, और पीछे है हमारा ये खूबसूरत झरना जिसका आप व्यू देख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बात किया था, मैं कुछ सवाल पूछूंगा आज उनके बारे में जिनके नाम पे आज बहुत सारी फैमिली खा रही हैं, उनके बारे में जिनके नाम पे हमने बहुत सारे इल्म को प्राप्त किया है, पाया है, और उनके बारे में जिसकी खुशबू से ये सारी यूनिवर्सिटी नहीं पूरी दुनिया महक रही है, ख़ास के आज के दिन। तो आज हमारे पहले जो गेस्ट होंगे वो PhD हैं, यानी कि ही इज़ अ डॉक्टर इन थियोलॉजी, डॉक्टर सादात हुसैन। उनके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि लफ्ज़ वो नहीं चुनते बल्कि लफ्ज़ उनको चुनता है। तो ये पढ़ाते हैं मिंटो सर्किल में, ये पढ़ाते हैं मिंटो सर्किल में, और अब मैं उनको दावत देना चाहता हूँ कि आएँ और हमारे कुछ सवालों का जवाब दें। तो मैं पूरी ही इज्जत और तमद्दुन के साथ मैं उनको दावत देना चाहता हूँ। आइए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने थियोलॉजी में PhD किया है, बहुत सारे इनके पर्चे जो है पब्लिश्ड हैं, और ये अभी मिंटो सर्किल में पढ़ा रहे हैं। और पढ़ा क्या रहे हैं, बस स्टूडेंट की ज़िंदगियों को तराश रहे हैं।
तो डॉक्टर साहब, आज सर सैयद डे है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी और मोहसिन कौम मिल्लत सर सैयद अहमद ख़ान को खराज अकीदत पेश करना चाहूँगा कि जिनके तुफैल में हिंदुस्तानी मुसलमानों को बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम हुआ, और उसी हवाले से आज 17 अक्टूबर 2019 का ये तारीख़ी दिन जो सर सैयद की योम पैदाइश है, हम लोग बड़े ही जोश व खरोश के साथ मना रहे हैं और इस बात का अहद करने जा रहे हैं, इस बात का कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम भी हिंदुस्तानी मुसलमानों की तालीमी पसमांदगी को दूर करने के लिए बेहतर अंदाज से प्लानिंग करेंगे और उनकी खुशगवार ज़िंदगी को लोगों के सामने इस तरीके से पेश करने की कोशिश करेंगे कि लोग सर सैयद अलैहिर्रहमा की ज़िंदगी से नसीहत हासिल करें और अपनी कौम के लिए भी वो जज्बा बेदार करें। भाई, मैंने आपसे कहा था कि लफ्ज़ को ये नहीं चुनते हैं बल्कि लफ्ज़ इनको चुनता है। आपने इनकी शुरुआती कलमात से समझ लिया होगा कि ये किस काबिलियत के बानी हैं। खैर, मैं इनसे बस ये पूछना चाहूँगा कि आज के दौर में सर सैयद कितना हमारे सामने, हमें समझ में आया है? ये बात हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि सर सैयद एक थॉट, एक विजन और एक फ़िक्र का नाम है, और सर सैयद ने जो तालीमी तसव्वुर हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए खुसूसी तौर पर और हिंदुस्तानी आवाम के लिए उमूमी तौर पर जो ख्वाब देखा था, जो तसव्वुर पेश किया था, वो एक आफाकी हैसियत रखता है और एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। इसलिए कि तालीम के हवाले से कभी भी किसी कौम को बेदार करने के लिए जो जिन नज़रियात की ज़रूरत होती है, जिन उसूल व ज़वाबित की ज़रूरत होती है, जिन अवामिल की ज़रूरत होती है, सर सैयद ने उन तमाम चीज़ों का बग़ौर मुशाहिदा किया था, उसका मुआयना किया था और फिर उसके बाद उसको अपनी तकरीरों और तहरीरों में ढालकर अमली तौर पर उसको पेश किया। और हम देखते हैं कि सर सैयद की रेलिवेंस या सर सैयद के अफकार व नज़रियात की मानवियत या सर सैयद ने जिस तरीके का इजहार किया अपनी तहरीरों में कि किस तरीके की मुस्लिम कौम की तालीमी तरक्की वो देखना चाहते थे, उसको उन्होंने पेश किया। और मैं समझता हूँ कि हर ज़माने में सर सैयद की रेलिवेंस और उनके अफकार व नज़रियात की मानवियत बरकरार रहेगी, इसलिए कि जदीद और इस्लामी तालीम का एक ऐसा माजून मुरक्कब सर सैयद तैयार करना चाहते थे जिसमें एक ऐसी आइडियल पर्सनालिटी एजुकेशन के ज़रिए से उभर कर आए जो न सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सूदमंद साबित हो बल्कि जिस सोसाइटी और मुआशरे में वो रह रहा है वहाँ के लिए भी फ्रूटफुल साबित हो और फिर कौम और मुल्क के लिए भी वो मौसर और बेहतर साबित हो सके। बहुत खूबसूरत बात आपने कही है कि कौम और मिल्लत के लिए जिस इंसान ने सांस लिया, कौम और मिल्लत के लिए जिस इंसान ने ज़िंदगी अपनी पूरी जो है पूरी की पूरी ज़िंदगी अपनी दे डाली, आज उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उनके बारे में बात क्या करें, उनके बारे में कोई भी जुमला अधूरा ही नहीं, अधूरा ही है बल्कि। अगला सवाल मेरा आपके साथ ये होगा कि सर सैयद अहमद ख़ान ने एक विज़न देखा था, मेरी आँखें अपनी आँखों वाली एक बात उन्होंने कही थी कि हिंदू और मुसलमान दो आँखें नहीं हैं बल्कि दो कौम नहीं हैं, मेरी दो आँखें हैं बल्कि हिंदुस्तान एक दुल्हन है और उसकी दो आँखें हिंदू और मुसलमान हैं। आज के दौर में ये दुल्हन को क्या हो गया है, कुछ आपको इस पर कुछ नज़रिया डाल सकते हैं क्या? क्या वही सर सैयद की दुल्हन है या ये दुल्हन में कुछ तब्दीली आप देख सकते हैं? यकीनन मौजूदा हिंदुस्तान के तनाजुर में ये एक अहम सवाल है कि इस वक्त मुल्क फ़िरका वाराना ज़हनियत इख्तियार करता जा रहा है और फ़िरका वारियत के बोझ तले हर शख्स दबा हुआ महसूस कर रहा है। और सर सैयद का जो नज़रिया था कि इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोग मिलजुल कर आपसी भाईचारे के साथ किसी भी काम को जब अच्छे अंदाज में करेंगे तो उसका बेहतर नतीजा सामने आएगा, और अगर फ़िरकावारियत की बुनियाद पर कोई भी मिशन या प्लानिंग की जाती है तो शायद उसके नतायज इतने मौसर नहीं हो सकते जितना सब लोग मिलकर करेंगे। बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत आपका जवाब है, माशाल्लाह। मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कितना उतार पाया आपने सर सैयद को अपने अंदर?
देखिए सर सैयद, मैंने कहा था कि सर सैयद एक थॉट, एक फ़िक्र का नाम है, और सर सैयद के अफकार व नज़रियात बड़े ही दूरस असरात मुरतब कर रहे हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान की सरहदों से निकल कर आलमी पैमाने पर भी। और हर शख्स अगर तालीम से उसका किसी न किसी हवाले से रिश्ता है, नाता है, तो वो सर सैयद का अपने आप को गोया कि परस्तार समझता है, और सर सैयद के अफकार नज़रियात, उनके ख्यालात को अपनी ज़िंदगी में कशीद करके अमली तौर पर उसे पेश करने की कोशिश करता है। और मैं भी सर सैयद का जो बड़ा ही खूबसूरत कौल था और बड़ा मशहूर कौल भी था कि सर सैयद ने कहा कि दाएं हाथ में हमारे कुरान, बाएं हाथ में फ़लसफ़ा और साइंस, और पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। क्या बात कही, क्या बात कही। वो जुमला है जिससे आप सर सैयद के तालीमी ख्यालात को, उनके तालीमी तसव्वुरात को, नज़रियात को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और इसी में सर सैयद के सारी ज़िंदगी की खूबसूरती किन्हा है, और हमें चाहिए कि हम सर सैयद के इन्हीं अफकार व नज़रियात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अमली तौर पर उसे पेश करें, और कौम व मिल्लत के लिए उसको लोगों को, कौम व मिल्लत के लिए पेश करें, और ताकि लोग उस पर अमल करके खुशगवार और खूबसूरत। बहुत खूबसूरत, यानी आपने जो बात कही कि सर सैयद अहमद ने इस्लाम और धर्म को भी एक प्रैग्मेटिक नज़रिया जो दिया, वाकई में एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में साइंस, सर पे मित पेशानी पे ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात को तो एक परचम बना करके इस बात को हर जगह फहराना चाहिए। कितनी खूबसूरत बात की, बात नहीं सिर्फ कुरान की, बात नहीं सिर्फ गीता की, बात नहीं सिर्फ बाइबल की, बात नहीं वेदों की, बात है सोच की। कितनी खूबसूरत सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, डॉक्टर पूरा नाम अपना बताइए, डॉक्टर शहादत, डॉक्टर सादात सुहेल, सादात सुहेल, डॉक्टर सादात सुहेल। आप समझ सकते हैं मैं नाम में इसलिए गड़बड़ा रहा हूँ कि मैं किसी भी ऐरे वैरे को मैं उठा के नहीं लाया हूँ, मैं सिर्फ अनजान लोगों से सर सैयद के बारे में बात कर रहा हूँ, और मेरी खुशनसीबी थी कि एक अनजान शख्स सर सैयद के बारे में इतना जानता है कि एक ख़ास शख्स को भी शायद नहीं पता होगा। कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगले मेहमान के तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि ख़ुद एक डॉक्टर होने जा रहे हैं। वो ये थे थियोलॉजी के। अब जो मेहमान हमारे सामने आने वाले हैं वो होंगे इंग्लिश लिटरेचर के। तो मैं बड़े ही इज्जत के साथ, बड़े ही तमद्दुन के साथ, बड़े ही मोहब्बत के साथ, बड़े ही तड़प के साथ मैं उनको आवाज़ देना चाहूँगा। उनका नाम है फैज़ान, मोहम्मद फैज़ान। तो मोहम्मद फैज़ान साहब, प्लीज़ आप यहाँ आइए और हमसे थोड़ा सा सैयद के बारे में जानकारी हमें शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। इसको आप थोड़ा जो है अपने पास लगा लीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स आपको जो है अच्छी तरह से सुन सकें। जी तो फैज़ान साहब, आप लिटरेचर में शायद एमए किया है आपने, और आप ये डॉक्टरी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। पीएचडी करना अपने आप में मिसाल है, और आप मिसाल बनने जा रहे हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। तो आज सर सैयद डे है, तो क्या क्या कहना चाहेंगे कुछ सर सैयद डे के ऊपर? आपको कैसा महसूस हो रहा है, और कुछ बात? सर सैयद डे एक ऐसा दिन है जिस दिन यूनिवर्सिटी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। ये एक ऐसा दिन है जिस दिन सर सैयद साहब पैदा हुए थे, और इस दिन में वो एक ऐसी सोच लेकर के आए थे जिस सोच को लेकर के हिंदुस्तान आज, हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के और लोग, जो लोग भी यहाँ से तालीम याफ्ता हुए हैं, उन्होंने अपना एक इल्म हुनर के मैदान में वो नाम पैदा किया है जो रहती दुनिया तक उनको याद किया जाएगा। मेरा कहना यह है कि मैं पूरी यूनिवर्सिटी घूम रहा हूँ, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, आज से 20 साल 25 साल पहले जो सर सैयद को लेकर के एक फिक्र, एक जज्बा था, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में घटता नज़र आ रहा है। किसको आप, क्या ये बात आप मानते हैं, मेरा पहला सवाल। और दूसरा सवाल, किसको आप जिम्मेदारी देंगे, या कौन जिम्मेदार है इस घटती सूरत के लिए? सर सैयद जिस फिक्र और सोच को लेकर के पैदा हुए थे, वो फिक्र और सोच तो नहीं घट रही है, लेकिन जो वो तहजीब व तमद्दुन, जो जिस रिवायत को हम लोग कायम करते चले आ रहे थे, जो कल्चर एंड ट्रेडिशन था,
उसको एक तरीके से इंट्रो के ज़रिए से हमारे यहाँ उसको फॉरवर्ड किया जाता था। कल्चर जो होता है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रेडिशन बनता हुआ एक दूसरे तक मुंतकिल होता है, लेकिन जब इंट्रो को रैगिंग का नाम दे करके जब उसको बैन कर दिया गया तो ये सिलसिला इंट्रो को बंद कर करके ये एक सिलसिला ख़त्म कर दिया कि जनरेशन टू जनरेशन जो पास होता था, जो हमारे बाबाओं आबाओ अजदाद और फिर उसके बाद उनसे उनके बाद वाले जो हम तक मुंतकिल करते थे, तो एक गैप हो गया है जिसकी वजह से वो कल्चर एंड ट्रेडिशन नहीं आ पा रहा है। लेकिन जो सर सैयद साहब ने जो सोच अपनी दी थी मुल्क और मिल्लत की फलाह बहबूद के लिए और उनकी तरक्की के लिए, वो सोच और फलाह बहबूद अभी भी लोगों के अंदर है। लोग उसी जज्बे से यूनिवर्सिटी में आते हैं और उसी जज्बे से सर सैयद के विज़न को फॉलो करते हैं जिस जज्बे से उन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी थी, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो गया। क्या बात है, मुझे कभी इतना खुशी नहीं हुई अपने गलत होने पे जितना इस वक्त अपने गलत होने पे मुझे खुशी मिल रही है कि सर सैयद की सोच आज भी ज़िंदा है। बस ज़रूरत है तो उसको अपने अंदर थोड़ा इंट्रो यानी कि रैगिंग का जिसको नाम दे दिया क्या हम AMU अली उसे इंट्रो का नाम देते हैं, उसको अगर कायम कर लिया जाए तो वो कल्चर दोबारा जो है हम सब के अंदर इस तरह शामिल हो जाएगा जैसे दिलों के अंदर धड़कन और हमारे अंदर सांसें हैं। तो आप जो है इंग्लिश में PhD कर रहे हैं, तो अपने अंदर आपने सर सैयद को तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं उतारा होगा, क्या चीज़ ऐसी है जो सर सैयद को का आपने अपने अंदर उतारने की कोशिश की है? सर सैयद साहब जो थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के लिए अपने लिए कुछ नहीं किया ज़िंदगी भर में। आप तो अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया और वो जो सोच लेकर के आए थे वो एक कौम के लिए लेकर के आए थे। अभी जो आपको दिख रहा है कि हम अपने लिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हम एजुकेशन को हासिल कर रहे हैं, उनकी वो सोच जिसके ज़रिए से उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी, उस सोच को हम यहाँ के एजुकेशन के ज़रिए से अपने अंदर पेवस्त कर रहे हैं। जब इस लायक हम हो जाएंगे कि उनके पूरी सोच को हम अपने अंदर पैदा कर लें जितना भी हम कर सकते हैं, तो उसके बाद हम एक इस तरीके से हो जाएंगे कि हम एक अतर की मानिंद हो जाएंगे जो जहाँ निकलेंगे वहाँ खुशबू फैलाते चलेंगे। वाह वाह, तो क्या बात। जैसे है। आज हमारे चीफ गेस्ट फ्रैंक इस्लाम साहब थे जो हमारे ही इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं आज़मगढ़ से, उन्होंने इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आए और यहाँ से तालीम हासिल की और सिर्फ इंडिया ही नहीं उन्होंने USA में जाकर भी हिंदुस्तान का और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का परचम लहराया और फिर उसके बाद उन्होंने वो नाम पैदा किया जो फ्रैंक डेवी इस्लाम मैनेजमेंट कॉलेज यहाँ पर मौजूद है। और भी उन्होंने कहा कि ये अभी शुरुआत है, मैं इतना करूँगा कि रहती दुनिया तक उसको याद किया जाएगा। तो इसी तरह की हम लोग भी सोच रखते हैं कि एक वक्त आएगा कि हम लोग भी इसी तरह की इसी यूनिवर्सिटी के लिए इस कौम व मिल्लत के लिए इस समाज के लिए कुछ ऐसा कर जाएंगे कि दुनिया हमेशा हमें याद रखे और हमें तालीम की बुनियाद पर जो सर सैयद ने ख्वाब देखा था कि उम्मत को एक ऐसा मकाम दे, हिंदुस्तानियों को एक ऐसा मकाम दे कि जो पूरे वर्ल्ड में एक उनका एक स्टेटस हो, तो उस स्टेटस को बरकरार रखने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं, यही विज़न हम अपने अंदर उनका पैदा कर रहे हैं। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात आपने कही है, बहुत ज़बरदस्त बात आपने कही है कि एक इत्र की तरह हम महकना चाहते हैं और दुनिया में अपनी काबिलियत का डंका ही नहीं बल्कि अपनी खुशनुमाई का की खुशबू भी फैलाना चाहते हैं। और जहाँ तक बात है फ्रैंक इस्लाम की, तो उनका पूरा लेक्चर आपको, उनका पूरा टॉक आपको इसी वीडियो में, इसी चैनल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान, मोहम्मद फैज़ान साहब इंग्लिश में PhD कर रहे हैं, ये बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। जी हाँ, ये वो जगह है जहाँ से लोग बन के निकलते हैं, ये वो जगह है जहाँ पर बड़ी बेशकीमती किताबें हम लोगों को सीरत ही नहीं ज़िंदगी जीने की एक सूरत भी अता करती है। और अब मेरा ये सफ़र पहुँच रहा है एक ऐसे शख्स के सामने, ऐसे शख्स के पास जो कि हिस्ट्री में MA है, पता नहीं 10 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का और तलबाओं के दिल के सबसे करीब, स्टूडेंट्स को किस तरह से मोटिवेट करना है उसके सबसे करीब ये बंदा रहता है, अपने आप में एक मिसाल। AMU के मिंटो सर्किल के मिंटो सर्किल स्कूल है, AMU में एक मिंटो सर्किल स्कूल है, वहाँ के ये PGT टीचर हैं जिन्होंने जो है इनका पढ़ाने का सफ़र जो है ये यहाँ से नहीं बल्कि इनका पढ़ाने का सफ़र मैंने सुना है कि पुरुलिया होते हुए, भागलपुर होते हुए, पटना होते हुए, पता नहीं कहाँ कहाँ होते हुए AMU में आकर के ठहरा है। और शायद ये पानी की वो बहाव है जो रुकना ही नहीं जानती है। मैं बड़े ही इज्जत और बड़े ही तमद्दुन के साथ अपने सामने खड़े हमारे इस काबिल पर्सन, काबिल इंसान को बुलाना चाहूँगा जिनका नाम है नूरुज़्ज़मा अरशद। तो नूरुज़्ज़मा अरशद साहब प्लीज़ आइए।
अस्सलाम वालेकुम। इसको आप लगा लीजिए दादा। हाँ बोलिए। तो नूरुज़्ज़मान अरशद साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज सर सैयद डे है और पूरा जोश के साथ हर एक अलीग जो है इस जश्न को मना भी रहा है और कुछ सीखने की कोशिश भी कर रहा है। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे आज सर सैयद डे के ऊपर आप, एक लाइन में या कुछ अल्फाजों में? देखिए, सबसे पहले तो मैं सर सैयद डे की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। सर सैयद अहमद अल रहमा को खराज अकीदत पेश करना चाहूँगा। दूसरी बात ये कि सर सैयद का जो विज़न था कि ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम के साथ साइंटिफिक टेम्परामेंट को लोगों तक पहुंचाना, इवन के घर घर तक पहुंचाना, उन चीज़ों को पहुंचाने की आज बहुत ज़रूरत आन पड़ी है। मुल्क के जो हालात जैसे चल रहे हैं, ख़ासकर इस दौर में इन चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है। आपको क्या लगता है कि मुल्क के हालात अभी ज़्यादा ख़राब हैं या सर सैयद अहमद ख़ान जब अपनी कोशिशों को एक अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त ज़्यादा ख़राब थे? देखिए, आप ये हर दौर में हालात अपने हिसाब से बदलते रहे हैं और लोगों ने भी उन हालात से जो है दो चार होने की कोशिश की हर दौर में, चाहे वो सर सैयद का दौर रहा हो या आज का जो दौर है। इन दौर में भी लोग इन दौर से बाहर निकलने का जो एक रास्ता मुझे नज़र आता है वो यही है कि जो मॉडर्न एजुकेशन है, एक अप्रोच होना चाहिए मॉडर्न एजुकेशन के टुवर्ड्स, के जिससे लोगों का जो सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो सके। जब लोग अपलिफ्टमेंट की तरफ ध्यान देंगे, एजुकेशन की तरफ ध्यान देंगे, तो इन सब चीज़ों की तरफ उन लोगों का ध्यान ही नहीं जाएगा। तो एजुकेशन की तरफ मायल लागे होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है आज के डेट में। बहुत अच्छा, बहुत खूब। मेरा एक आखिरी सवाल है और जो बड़ा ज़रूरी मुझे महसूस होता है कि सब सैयद और नेहरू और बड़े बड़े जो उलमाज गुजरे हैं, इंटेलेक्चुअल्स गुजरे हैं, उनकी बात करते हैं, उनके साए में पलना चाहते हैं, उनके साए में रहना चाहते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है ये सारी कुछ सीखना, बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छी बात है। मेरा सवाल यहाँ आता है कि क्यों नहीं आज कोई सर सैयद बनना चाहता है? क्यों नहीं आज कोई टीवी की तरह सोचता है? क्यों नहीं आज कोई एरिस्टोटल या रूसो की बातें करता है या रूसो बनने की कोशिश करता है? क्यों हम सायों में पलना चाहते हैं? क्यों नहीं हम एक रोशनी का सोर्स बने ताकि हमारी रोशनी से लोगों को साया मिले? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं जो एरिस्टोटल भी बनना चाहते हैं, पंडित नेहरू भी बनना चाहते हैं और सर सैयद भी बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है। लेकिन ये कतई नहीं कहा जा सकता है कि हाँ, आज के दौर में ऐसी फिक्र रखने वाले लोगों की कमी है। हाँ, ये ज़रूर है कि वैसे लोग कम हैं, लेकिन लोग हैं ज़रूर। आज भी आप नज़र उठा के देख लीजिए, इस अलीगढ़ और अलीगढ़ के आसपास के अहाते में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो सर सैयद के मिशन और विज़न को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश में दिन रात लगे हुए हैं। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़े ही साफ लफ्ज़ों में, बड़े ही काबिलियत के साथ जो है आपने हर एक सवाल को बहुत खूबसूरती के साथ जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत कीमती वक्त अपना दिया। मुझे पता है दोपहर का वक्त है, धूप बहुत तेज़ है, लेकिन ये सर सैयद की मोहब्बत है जो लोगों को यहाँ पर खींच करके ला रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। शुक्रिया। 1 2 3 स्टार्ट। तो मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से, आपने देखा अलीगढ़ के बाग के कुछ फूल हमसे गुफ्तगू किया, उनके खुशबू भी आपने महसूस की, उनके जोश को भी आपने महसूस किया, उनके रुतबों को भी आपने महसूस किया, उनके जज्बों को भी आपने महसूस किया। यार ये क्या है ये अलीगढ़, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये मोहब्बत आखिर उठती कहाँ से है? ये अब्र जहाँ से उठा है, ये सारे जहाँ पे बरस गए, ये मोहब्बत आखिर उठती कहाँ से? ये एक मिस्ट्री है। कहीं ना कहीं मैं मानूंगा, मैं कहूँगा कि अल्लाह की बड़ी रहमत है इस यूनिवर्सिटी पे, जो एक बार यहाँ आया वो हमेशा 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 इस यूनिवर्सिटी का हो के रह गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सर सैयद डे, नॉलेज 360 फॉर यू, आपको बहुत बहुत बधाई देता है आज की इस अजीम और शान दिन के ऊपर। और इससे रिलेटिव और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको चैनल पे मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड। और हाँ, सर सैयद ने एक बात ये कही थी कि हम और आप कुछ नहीं है, करने वाला वो है। और अलीगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा, ये जहाँ से गुज़रते हैं कुछ छोड़े ना छोड़ें, सलीका ज़रूर छोड़ते हैं। सायोनारा।